देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ इस वक्त हमारा खास कार्यक्रम आमना सामना, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे बीच यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सियासत पर, उत्तर प्रदेश में लोकसभा उपचुनाव को लेकर, राज्यसभा चुनाव से पहले लोकसभा उपचुनाव को लेकर टिकट वितरण से जुड़ी तमाम ऐसी खबरें आई जिसमें सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे थे, नेता अखिलेश से नाराज चल रहे थे, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से नाराज चल रहे थे, अब उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए उनके घर परिवार से या तो उनकी पत्नी या उनके बेटे को टिकट मिल सकता है। लेकिन जब लोकसभा उपचुनाव के टिकट वितरण का समय आया तो फैसला हुआ कि आजम खान की ना तो पत्नी को और ना ही उनके बेटे अब्दुल्ला को टिकट दिया गया, और इसके बावजूद आजम नाराज नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नजर आए। लेकिन दो तरीके से, एक तरफ देखा जाए तो आजम खान जरूर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नजर आए क्योंकि उनके बहुत करीबी 30 साल से उनके साथ राजनीति में रहने वाले आसिम रजा को रामपुर से लोकसभा उपचुनाव का टिकट मिला है और वो उन्हीं के लिए प्रचार करने के लिए रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। योगी जी को बोलते बोलते उन्होंने धमकी तक दे दी, उन्होंने कहा कि भगवान सब देख रहा है और भगवान सजा देगा, भगवान सबक सिखाएगा, जो गलती कर रहा है उसे सब पता चलेगा, मुझे जबरन माफिया बनाया गया, मुझ पर ऐसे आरोप लगाए गए, ऐसे अपराध का मुझ पर केस दर्ज किया गया जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर आज तक किसी पर केस नहीं दर्ज किया गया था। तो अपने अपराधों को कबूल करने के बजाय उन्होंने कहा कि मेरे साथ गलत ही हुआ है। इसी पर हम टिप्पणी करेंगे और ये भी बताएंगे आपको कि कैसे आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी अभी भी डरी हुई, क्योंकि आजम ने इशारे इशारे में आज मुलायम अखिलेश को लेकर कहा रिश्ते बनाए रखने में ही उनकी भलाई है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद है आसिफ। आसिफ, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। सीधा सवाल आसिफ आपसे करना चाहेंगे कि आजम खान ने पहले तो योगी जी को लेकर सीधा कहा है कि भगवान जवाब देगा सही समय आने पर, मुझे जरूर रिहाई नहीं मिली है, सिर्फ और सिर्फ जमानत पर बाहर हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि मुझ पर जितने आरोप लगाए गए थे, मुझ पर जबरन मेरी इमेज खराब करने की कोशिश की गई, मुझे भ्रष्ट नेता बताने की कोशिश की गई, लेकिन वो साबित नहीं कर पाए। उन्होंने कहा सही समय आने पर भगवान बताएगा, उन्हें सबक मिलेगा। पहली बात, उन्होंने योगी जी को टारगेट किया है। तो सीधा आपसे जानना चाहेंगे आसिफ, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मेरे साथ जो हुआ है वो सही हुआ, जैसे जमीनी विवाद को लेकर वो फंसे थे और जैसा कि हमने आपको शुरू में भी बताया कि टिकट उनके परिवार को नहीं मिला। तो आपसे यही जानना चाहेंगे आसिफ, क्या लगता है आपको कि आगे आने वाले समय समाजवादी पार्टी के साथ आजम की राजनीति चलेगी या फिर पार्टी से वो अलविदा भी कह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, जैसा कि आपने शुरुआत में ही बताया कि हकीकत है। इसको देखिए दो पहलू से समझना होगा। एक तो पार्टी के नेता अक्सर एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, और खास करके ये चुनाव के वक्त ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जब इस बीच में कोर्ट की एंट्री होती है, जब कोर्ट अपने निर्णय या फैसले सुनाते हैं, उसके बाद दोनों पहलुओं को समझ में आता है कि कौन झूठा है कौन सच्चा है और कौन अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए ऐसा इल्ज़ाम लगा रहा है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि योगी जी पे उन्होंने जो तंज कसा वो सही है या गलत है, उनके साथ सही हुआ या गलत हुआ। डॉक्टर कफील खान को पूरा दुनिया जानता है, देखिए उस वो भी जो है काफ़ी दिनों से जेल में ही थे और हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार बार उनको जमानत देता रहा, योगी जी को फटकार लगाता रहा कि भाई आपके पास जब सबूत नहीं है इसके बावजूद आप क्यों उनको भेज रहे हैं जेल में। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आता कि कई ऐसे मसले हैं, कई ऐसे लोग हैं जिसको ज़बरदस्ती बेकसूरों को जेल में ठूंसा गया। दूसरा एग्जाम्पल, CA का प्रोटेस्ट चला था पूरे यूपी में, पूरा यूपी जल रहा था, उसमें जो मेन गुनहगार थे वो जेल नहीं गए लेकिन जो बेकसूर लोग थे उन्हें जेल में भेजा गया। और ये तब समझ में आया जब कोर्ट ने फैसला जमानत दिया, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इन बेकसूरों को क्यों फंसा रहे हैं। अब इस पहलू से अगर हम लोग देखते हैं तो आजम खान ने जो लगाया आरोप वो गलत नहीं है, क्योंकि आजम खान को भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही कहा कि फटकार लगाया योगी सरकार से, पूछा कि आप ड्रामा कर रहे हैं क्या, आपके पास काम धाम है कि नहीं। तो अगर इस तरीके से कानून कार्रवाई करेगी तो दो बातें होंगी, पहला ये कि जो यूपी की जनता है, यूपी के लोग हैं, उनके भरोसा में जो है मनोबल उनका टूटेगा, भरोसा कम होगा, और दूसरा ये है कि फिर कानून व्यवस्था से लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी। मतलब आपका कहना ये है कि योगी सरकार और यूपी के कानून व्यवस्था पर सीधा इल्जाम लगाया आजम खान जेल से बाहर आकर, कि मतलब गलत तरीके से पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। तो पहला इल्जाम ये योगी आदित्यनाथ पर आजम ने लगाया है, लेकिन सीधा सवाल आसिफ हमने आपसे ये कहा था कि समाजवादी पार्टी को लेकर, मुलायम अखिलेश को लेकर उनकी जो नाराज
नाराजगी थी। हाँ। नाराजगी की वजह बताई जा रही थी कि वो अपने परिवार से किसी को टिकट दिलाना चाहते थे। नाम भी सामने आ रहा था उनकी पत्नी तंजीम का, और इसके अलावा अब्दुल्ला खान को लेकर भी, क्योंकि बजट सत्र के दौरान अखिलेश के साथ खड़े नहीं थे आजम के बेटे अब्दुल्ला। अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको आने वाले समय में आजम की राजनीति क्या सपा के साथ चलेगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी का ऑफर उन्हें मिला AIMM की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ऑफर मिला, मायावती उन पर मेहरबान नजर आई, तो यहाँ तक कि अपर्णा यादव ने भी बीजेपी की तरफ से कहा कि उनका स्वागत हम हमेशा करेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, ये दूसरा सवाल आपका जरूर था, मौका नहीं दिया, बिल्कुल हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए जहां तक यूपी में अभी जो फिलहाल दो सीटों पे हो रहे हैं उप लोकसभा चुनाव में, ये बहुत मायने है, खास करके रामपुर का चुनाव, क्योंकि 27 महीनों के बाद बाहर आने के बाद आजम खान वैसे ही नाराज थे, लेकिन अस्पताल में जब जाकर अखिलेश ने मुलाकात की भावुक भी हो गए, वहां समझ में आ गया अखिलेश यादव को कि अगर आजम खान को अगर निकाल देते हैं या फिर वो नाराज चलने अगर उसको नहीं मनाते हैं, इसका मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी, और इसीलिए वो जाकर झुके और उनसे माफी भी मांगी और अब मुलाकात हुई, तमाम नाराजगियां दूर हो गई, ये समझ में आ गया। और यही वजह है कि पहले आजम खान ने सोचा कि पहले पत्नी को देते हैं, मौका देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर मशवरा करने के बाद उन्होंने उनका भी पत्ता साफ कर दिया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि किसी भी तरीके से चुनाव जीता जाए, और इसीलिए डिम्पल यादव का भी जो नाम आ रहा था आजमगढ़ से, तो उनको भी बैकफुट पे लाया गया, उनका भी पत्ता काटा गया, धर्मेंद्र यादव को दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि आजम खान जो है समाजवादी पार्टी से अलग हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी से इस्तीफा से दे सकते हैं। हाँ, ये अगर सवाल आप आज से 10 दिन पहले पूछती तो शायद हो भी सकता था, लेकिन मुलाकात करने के बाद शायद ये तमाम भ्रम जो है वो दूर। चलिए, मतलब आपका कहना है कि अब समाजवादी पार्टी और आजम खान के रिश्ते में सुलह हो चुकी है, मतलब ये अंदरूनी कलह जो आजम और मुलायम परिवार के बीच चल रही थी वो खत्म हो गई है। एक और सवाल है आसिफ, आपसे ये कहना चाहेंगे, क्योंकि आजम खान को आपने इतने सालों से देखा है कि समाजवादी पार्टी में उनका योगदान सबसे बड़ा रहा है, तो आपसे मतलब आपका ये पर्सनल राय आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या आजम खान को यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि विधान परिषद का भी चुनाव होने वाला है और ये भी कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर भी अखिलेश यादव को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सपा के पक्ष में अगर फिर से वोट आते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये नेता प्रतिपक्ष की जो ये कुर्सी है आजम इसके हकदार हो सकते थे, मतलब क्या आपको लगता है कि आजम उसके लायक है, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक लायक की बात हुई है, वक्त की तो कमी है तृप्ति जी, लेकिन मैं कम शब्दों में यही बोलना चाहूँगा कि देखिए लायक सब नेता होते हैं, लेकिन जो सत्ता के लालची नहीं होते उन्हें इससे मतलब नहीं होता, वो पार्टी के लिए बेहतर कैसे कर सके इस पे ध्यान देते हैं, और आजम खान उनमें से एक हैं, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है, वो लोकसभा चुनाव लड़े वो भी जीत गए, विधानसभा चुनाव लड़े वो भी जीत गए, इसका मतलब ये है कि जनता उन्हें चाहती है और जनता चाहती है कि वो जनता के लिए काम करें, तो वो अगर पद पर रहेंगे तो भी कर सकते हैं, नहीं रहेंगे तो भी कर सकते हैं, क्योंकि आजम खान अखिलेश को पता है कि ये सिर्फ एक नेता या विधायक या सांसद नहीं है, ये दाहिने हाथ हैं, और इसी वजह से अखिलेश यादव उनको समझ रहे हैं। जहाँ तक जिम्मेदारियों की बात अगर देंगे तो और बेहतर, अच्छा उनके लिए जो है एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा लोगों को सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, तो मुझे लगता है कि उन्हें जरूर मिलना चाहिए। चलिए, मतलब आपने कहा कि उन्हें मिलना चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ की आजम खान को लेकर आपने अपनी राय दी कि वो बड़ी जिम्मेदारी के हकदार है समाजवादी पार्टी में, और ये सुलह हो चुका है, अब अखिलेश के परिवार के साथ आजम खान की नाराजगी खत्म हो चुकी है, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि कौन सा वो पद है जो आजम खान के नाम होने वाला है, क्योंकि उनके परिवार से किसी को भी टिकट नहीं मिला, यानी कि आजम खान को जरूर इस पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, जिसके आस में आजम समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ रहे। फिलहाल वक्त की कमी है, इसलिए इस खास कार्यक्रम का यहीं पर अंत करेंगे, बाकी तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।